चलिए अब अगली खबर के बारे में आपको बताते हैं। एक जमाना था जब हमारे देश में मजबूत पारिवारिक रिश्तों की मिसाल दी जाती थी। बड़े बड़े परिवार होते थे, एक ही घर में 40-50 लोग रहा करते थे, यानी कि ज्वाइंट फैमिलीज का जो कल्चर था, संस्कृति, वो हमारे डीएनए में था। और ऐसे परिवारों को संयुक्त कुटुंब कहा जाता था। ये वो दौर था जब रिश्ते भरोसे की गोंद से चिपके होते थे। तब अगर परिवारों में मनमुटाव की वजह से किसी सदस्य को घर से बाहर करने की बात होती थी तो उसका विरोध होता था और परिवार बिखरते नहीं थे। उस समय बिखरे हुए परिवारों को बिखरे हुए मोतियों की माला कहा जाता था। लेकिन समय बदला और इस समय के साथ अपनों के प्रति हमारा आचरण व्यवहार बदला। ज्वाइंट फैमिलीज यानी कि जो संयुक्त कुटुंब भारत की ताकत होते थे, वो ताकत कमजोर हो गई। आज बड़ी बड़ी इमारतों में सैकड़ों लोग तो रहते हैं, लेकिन ये सैकड़ों लोग सैकड़ों परिवारों में बटे हुए हैं। अब ज्वाइंट फैमिलीज बहुत कम मिलती है। और एक कड़वी सच्चाई तो यह है कि भारत में बहुत सी संतानें अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहती हैं। वो अपने माता पिता की संपत्ति तो चाहती हैं, लेकिन माता पिता को अपने साथ रखने से संस्कार या माता पिता को साथ रखने के संस्कार उनमें अब नहीं है। इसलिए आज हम आपके साथ इस विषय पर संवाद करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में है मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई एक खबर। वहां 5 बेटों ने अपनी एक मां को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। 5 बेटों ने। रामकुंवर बाई के पति जब जिंदा थे तब उनके 5 बेटे एक साथ रहते थे, लेकिन फिर उनकी शादी होती चली गई और उनके बेटों ने माता पिता से खुद को अलग कर लिया। 5 बेटे शादी के बाद अलग हो गए, परिवार टूट गया। जब पिता की मौत हुई और मां अपने बेटों का सहारा चाहती थी तो इनमें से किसी एक बेटे ने भी अपनी मां को नहीं रखा। विडंबना देखिए कि इस महिला ने अपने 5 बेटों की परवरिश की, लेकिन ये 5 बेटे अकेली मां को नहीं रख पाए। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस महिला के 5 बेटों ने अपने पिता की मौत के तुरंत बाद उनकी पैतृक संपत्ति को बेच दिया। उनके पिता के पास 6.5 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 5.5 एकड़ जमीन इन लोगों ने बेच दी। इससे उन्हें जो पैसा मिला इन 5 ने आपस में बांट लिया और जो 0.5 एकड़ जमीन बची वो इन लोगों ने गांव के एक व्यक्ति को दे दी, एक अनजान व्यक्ति को दे दी, और उसे ये कहा कि वो उनकी मां का ध्यान रखे। यानी कि इन 5 बेटों ने अपनी बेसहारा मां को एक ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ दिया जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति ने भी ये जमीन आगे बेच दी और इस बुजुर्ग महिला को घर से बेदखल कर दिया। ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसने बुजुर्ग महिला के 5 बेटों के खिलाफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये तो पूरी खबर हुई, लेकिन ये खबर आज आपको क्यों देखनी चाहिए अब हम आपको ये बताते हैं। भारत में इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। यही नहीं, आज के जमाने में एक भाई अपने भाई के साथ ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, 2001 की जनगणना के मुताबिक उस समय भारत में 19 करोड़ 31 लाख परिवार थे। 19 करोड़ 31 लाख परिवार थे, जिनमें से 3 करोड़ 69 लाख ज्वाइंट फैमिलीज थी। मतलब कुल परिवारों में से 19% फैमिलीज एक साथ रहती थी। लेकिन 10 वर्षों में ही यह तस्वीर बदल गई। वर्ष 2011 में कुल परिवार में से ज्वाइंट फैमिलीज 16% ही रह गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक उस समय भारत में 24 करोड़ 88 लाख परिवार थे और ज्वाइंट फैमिलीज घटकर हो गई 4 करोड़। भारत के एक एनजीओ हेल्प पेज द्वारा
जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 1176 ओल्ड एज होम्स यानी कि वृद्ध आश्रम है 1100 के आसपास। एक दूसरी स्टडी के मुताबिक इन वृद्ध आश्रम में लगभग 97,000 ऐसे लोगों की रहने की व्यवस्था है जिन्हें उनका परिवार बुढ़ापे में छोड़ देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में वर्ष 2028 तक ऐसे लोगों की संख्या 900,000 हो जाएगी। 900,000 यानी कि इन लोगों के लिए ना तो घर में जगह बचेगी ना ही वृद्धाश्रम में इनके लिए कोई जगह होगी। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है। वैसे अगर राज्यों की बात की जाए ना तो सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम केरल में है, वहां इनकी संख्या 615 है। ये आंकड़े उस देश के हैं जहां माता पिता पूजनीय होते हैं। हमारे देश में जब बच्चे परीक्षा या नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं ना तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। त्योहारों के मौके पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, ये संस्कार है। यही नहीं, भारत में त्योहार के मौकों पर परिवारों का मिलना जुलना भी होता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सारे रिश्ते डिजाइनर हो गए हैं और भावनाएं भी डिजाइनर सी हो गई हैं। देखिए हालांकि कुछ लोग हैं जो अब भी ज्वाइंट फैमिलीज में यकीन रखते हैं। इनमें कर्नाटक का एक परिवार है। इस परिवार को नरसिंगानावार फैमिली कहते हैं, नरसिंगानावार फैमिली। इसमें आज भी 180 लोग एक साथ रहते हैं। हैरान मत होइए, 180 लोग एक साथ रहते हैं। इसे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ज्वाइंट फैमिली माना जाता है। यह परिवार पिछले 500 वर्षों से इसी तरह संयुक्त कुटुंब में रह रहा है। सोचिए 5 सदी हो गई लेकिन यह परिवार नहीं बिखरा। ये आज भी अंगूर के गुच्छों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी सूची में जोआना शाना का भी परिवार है। उनके परिवार में 172 लोग रहते हैं जिनमें उनकी 39 पत्नियां हैं, 90 बच्चे हैं, 33 नाती पोते हैं। ये परिवार भी एक साथ रहने में यकीन रखता है। सोचिए 90 बच्चे हैं लेकिन कोई उनसे अलग नहीं हुआ, कोई भी नहीं। ऐसे और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे। भारत में भी अलग अलग शहरों में और गांव में ज्वाइंट फैमिलीज मिल जाएंगी लेकिन ये संयुक्त परिवार अब सीमित हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। हालांकि भारत के डीएनए में पहले ये संस्कृति नहीं थी, पहले पश्चिमी देशों में इसका चलन था, वेस्टर्न कंट्रीज में। वहां आज भी बच्चे बड़े होते ही अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है। इसे आप कुछ आंकड़ों से इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में लगभग 4.5 लाख लोग वृद्ध आश्रम में रहते हैं, यानी कि 65 वर्ष या उससे ज्यादा आयु वाले लोगों में से 4% वृद्ध आश्रम में रहते हैं, जबकि 85 वर्ष से ज्यादा आयु वाले 15% वृद्ध आश्रम में रहते हैं। ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि ब्रिटेन में 65 वर्ष से अधिक आयु के 65 लाख लोग अकेले रहते हैं। अकेले, ये कल्चर है। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। यही नहीं, ब्रिटेन में 75 वर्ष से अधिक आयु के 20 लाख लोग भी अकेले रहते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपने पति या पत्नी को खो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद बाकी बचा जीवन उन्हें अकेले गुजारना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह कि भारत में इस तरह की संस्कृति नहीं रही लेकिन अब धीरे धीरे हम अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को हम भूलते जा रहे हैं। हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उस पिता का जीवन कष्ट में ही गुजरता है जिसका पुत्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता हो, और इस पिता का जीवन तो नरक समान है जिसकी पत्नी भी पुत्र के समान हो और दोनों ही मिलकर पिता को अकेला कर दे। आज भी जब माता पिता के प्रति सेवा भाव की बात होती है तो किसका नाम सबसे पहले जहन में आता है आपके? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी उस समय की है जब महाराजा दशरथ अयोध्या पर राज किया करते थे। श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। एक दिन उनके माता पिता ने उनसे कहा कि बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब एक इच्छा बाकी रह गई है। ये श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा। इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि कौन सी इच्छा मां, क्या चाहते हैं? आप आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। यह बात श्रवण कुमार ने कही।
इसके जवाब में उनके पिता ने कहा कि हमारी उम्र हो गई है और अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में शायद हमको शांति मिले। ये उनके माता पिता ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोच में पड़ गए, क्योंकि उन दिनों आज की तरह बस, रेल या विमान नहीं होते थे। तब श्रवण कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें अपने माता पिता की इच्छा भी पूरी करनी थी। ऐसे में उन्होंने दो बड़ी टोकरियां ली और उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया, कुछ इस तरह से, इस तरह एक बड़ा कावड़ बना लिया। इसके बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उसके अंदर बिठा दिया और उनकी तीर्थ यात्रा संपन्न कराई। देखिए, माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कराए। मतलब श्रवण कुमार जो कुछ देखते थे वो अपने माता पिता को बताते थे ताकि वो भी उसे महसूस कर सकें। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि भारतीय संस्कृति का DNA क्या है। आज भारत में परिवार ही नहीं, रिश्ते भी बिखरे हुए हैं। माता पिता को लेकर संतानों का व्यवहार, स्वभाव बदला है। यही नहीं, कई घरों में लोग अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं और इससे उन्हें बचाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। मतलब सोचिए, श्रवण कुमार की संस्कृति वाले देश में माता पिता को उनकी संतान से बचाने के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं। हमारे देश में इसके लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। इसके तहत माता पिता के भरण पोषण और उनकी देखरेख को सुनिश्चित किया गया है। यह कानून कहता है कि संतान अगर अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करती तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने माता पिता को 10,000 रुपए तक का हर महीने भत्ता देना होगा कानूनन। इसके अलावा वर्ष 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर एक अहम फैसला दिया था। इस फैसले में तब कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति घर में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्से का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें ऐसा करने पर घर से बाहर भी निकाला जा सकता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 50% बुजुर्ग कभी ना कभी अपनी संतानों द्वारा उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। इनमें 48% पुरुष हैं और 52% महिलाएं हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया, आप जानते हैं, कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है, संक्रमण, और इस संघर्ष में बहुत से लोगों ने समझा कि परिवार से बड़ा ना कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। टूटा और बिखरा हुआ परिवार ठीक उन मोतियों की तरह होते हैं जो डिब्बों में साथ होते हुए भी एक सूत्र में नहीं बंधे होते हैं, और इसे आप इस चित्र से समझ सकते हैं। आज अगर इस बुजुर्ग महिला के बेटे इसका सहारा बने होते ना, तो इसे लाठी का सहारा नहीं लेना पड़ता। अपने बेटों को उनके पैरों पर खड़ा करवाते करवाते इस बुजुर्ग महिला की कमर झुक गई, लेकिन फिर भी इसे आज दर दर भटकना पड़ रहा है, वो भी दो वक्त की रोटी और सिर पर एक अदद छत के लिए। जिस समाज में बेटों के लिए बेटियों की हत्या करने से गुरेज नहीं किया जाता, उस समाज में एक बेटी अपनी बुजुर्ग माँ का सहारा बनी हुई है और धिक्कार रही है अपने उन भाइयों को जिनको अपनी माँ को दो वक्त की रोटी देना भी गवारा नहीं था। आखिर सब भाइयों को थाने के जरिए बुलाए गए हैं, उन्होंने फिर भी अपनी माँ को रखने के लिए हाँ नहीं की। उसके बाद सबने की कि बहन अब क्या चाहती है तू, फिर मैं बोली कि तुम नहीं रख सकते हो माँ को तो मैं ही रख लेती हूँ। उसके बाद खिलचीपुर थाने वाले ने खाना खर्चा की व्यवस्था सारी कर दी। उसके बाद किसी भाइयों ने मतलब जवाब नहीं दिया कि माँ को हम रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रामकुंवर बाई की इस बुढ़ापे की जरूरत सिर्फ कुछ दवाइयाँ, एक चारपाई और केवल 2 रोटी है। आलू सब्जी, पानी पानी खा ले। लेकिन इनका खर्च भी उनके 5 बेटे उठाने को तैयार नहीं है। पूरी उम्र बेटों के नाम कर दी। 26 बीघा जमीन में से 22 बीघा जमीन अपने बेटों पर भरोसा करके बेच दी। सोचा था
उसका और बेटों का जीवन बेहतर होगा, लेकिन मिला तो सिर्फ धोखा। बेटों का जीवन सुधर गया और ये बुजुर्ग महिला सड़क पर आ गई। 4 बीघा जमीन है राजेंद्र सिंह खींची, पिता लक्ष्मण सिंह, देवाखेड़ी जागीरी के रहने वाले, मतलब पांचों भाई ने मिलकर जमीन माँ के लिए दी थी कि तू देखभाल करना, माँ का ध्यान रखना। लेकिन उस बंदे ने 45,000 के बीघा के हिसाब से 4 बीघा जमीन बिना दस्तखत बिना साइन से बेच दी। अपने हक के लिए लड़ रही 70 साल से ज्यादा उम्र की इस महिला की हालत और उसकी शिकायत देखकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पांचों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 4 बेटों को गिरफ्तार करके मुचलके पर छोड़ा गया। शर्त ये रखी गई कि हर महीने हर बेटा 1,000 रुपए भरण पोषण के लिए माँ को देगा। पांचों बेटों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया, धारा 24 वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम। अपराध कायम करने के बाद में उन 4 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनसे उनकी माँ के संबंध में समझाई दी गई कि आपकी माँ का भरण पोषण करना चाहिए। तो 4 बेटों द्वारा माँ के खर्चे के लिए प्रति माह 1,000 रुपये देने की भी बात कही गई है। हम 5,000 रुपये हर महीने इनको देंगे और हमारी माँ हमारी बहन लता के पास रहेगी। कलयुग की पराकाष्ठा देखिए कि पुलिस के समझाने के बावजूद 5 बेटे अपनी एक माँ को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस के दबाव में केवल 1,000 रुपये महीना देने की बात मानी, पर बेटी ही अपनी माँ का सहारा बनी, क्योंकि जिन बेटों को माँ ने सहारा समझा था वो उसे बेसहारा छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से मनोज जैन, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.